और हम लोग अपना ट्रैकिंग पे निकल चुके हैं केव्स जाने के लिए। बहुत अच्छा पगडंडी जैसा रास्ता बना हुआ है ना, इसके थ्रू हम लोग जा रहे हैं। ट्रैकिंग करके जाने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये देखिए फोटो सेशन भी हो रहा है। छोटी बच्ची बड़े आपको खिंचानी है, मैं इनके साथ खिंचाऊंगी। जाइए अपने कैमरे से दीजिए, आपका कैमरा महंगा वाला बहुत सी आ रही है पीछे, पीक अच्छी दिख रहा है, लेकिन मेरे भी खींचे जाना है आप लोगों के पास। आपके हम भरपूर भंडार भर देंगे आपका फोटोज का। और उस लग आ रही अच्छी आ रही है, एक खींची एक पास ये वो कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ ताकि पीछे चोटियाँ साफ आ जाए। आप तो यहाँ रहा देखिए, बहुत ही गजब का रास्ता है और मज़ा आने वाला है, एकदम जंगलों के बीच में से जाएंगे। हम लोग निकल जाएं। आप बस यहाँ कर रेडी। ये रास्ते में देखिए हमारा फोटो सेशन भी बहुत ज़रूरी है, ये तो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए जहाँ जहाँ हमको व्यूज दिख रहे हैं वहाँ वहाँ हम बैठ रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं। हमारे सारे साथ वाले आगे पहुँच गए, उनको पहुँचने की जल्दी है और हमें सीनरीज और व्यूज एंजॉय करने की। चलो ये पानी की बोतल आपको पकड़नी पड़ेगी, पानी मेरी आँख से लगातार पानी निकल जा रहा है। वो देखिए लोगों के छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से घर हैं यहाँ पे, वो देखिए धूप में लेटी हैं आराम से। इस रास्ते पे बहुत केयरफुल रहना पड़ रहा है हमको, बिकॉज नुकीले पत्थर भी हैं जो कि अगर आपने शूज़ नहीं पहने हैं ट्रैकिंग शूज़ तो आपको दिक्कत हो सकती है, आप फिसल भी सकते हैं, और ढलान वाला रास्ता है पूरा। बट हम एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ रख के लाए थे राइड पे, तो ये शूज़ नहीं पहने थे हमने, इसलिए वी आर कम्फर्टेबल। सामने वो नहीं रख के लाए थे, वो हार्डली गई शूज़ पहन के आए हैं। ये देखिए नेचुरल वाटर का सोर्स यहाँ पे है। ये लोग कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं अपनी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी। ओ नो, गिरा दिया फोन, बचाया कितना बहुत गिरा, पानी किनका गिराया, तो उस लाइक ही अभी फिलहाल गिरा, मुट्ठी पे गिरा, बच गया है आरी पी एकदम। मैगी खाई पहाड़ के ऊपर ही बैठी, अलग ही मजा उस चीज़ों का। अरे वो जो ओली में वो रोप वे है ना, आपने वो किया है वहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग नहीं की, रॉक क्लाइंबिंग नहीं, स्की रोप, स्की रोप, हाँ वो की रोप, खुली वाली, बाप रे दैट इज ओपन, और उसमें वीडियो खींचा है, नीचे में पैर नीचे बर्फ जा रही है। हाँ मतलब वो मुझे सबसे ज्यादा डेंजरस लगा। नहीं पर आप लोगों ने कभी वो नहीं की पैराग्लाइडिंग नहीं की है? पैराग्लाइडिंग नहीं की है हमने, पैरा स्लाइडिंग की है, हाँ पैरा सेलिंग की है गोवा में, वो तो मोटर बोट वाला है। हाँ चलिए वो तो वही हम लोग कई बार करते हैं। नहीं नहीं मैं पैराग्लाइडिंग के अभी तो मेरे पास गट्स नहीं आए, मुझे डर लगता है, पैर से कुछ नहीं होता, होल्डिंग यू जस्ट गॉट अ पैराशूट अराउंड, मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। अच्छा सरप्राइजिंग, या पहाड़ को आप पहाड़ों को पसंद है, मैं हाइट और पहाड़ में चढ़ते इनके साथ मेरे लिए सब इजी हो जाता है। हां वो बात अलग है, मेरे लिए कॉल है। हेलो, डिस्कस करने आएंगे ठीक है, और मैंने अभी 2 बजे के लिए
इस ट्रैकिंग के साथ साथ बिजनेस कॉल्स भी अटेंड हो रहे हैं। थैंकफुली मेरे फ़ोन पे सिग्नल्स आ रहे हैं, इट इज़ अ जियो कनेक्शन, तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सिग्नल्स बहुत कम लोगों के आ रहे हैं। तो बिजनेस रुक नहीं रहा है यहाँ। एक मास्क परचेज कर रहे हैं बिकॉज वहाँ मंदिर में मास्क के बिना एंट्री नहीं है, और रूम से मैं लाना भूल गई मास्क, तो मास्क लगा के पकड़ना, मास्क लगा लेते हैं एंड देन हमको एंट्री मिलेगी। मंदिर परिसर के अंदर हमने एंट्री कर ली है। दिस इज द टेम्पल पाताल भुवनेश्वर। 160 मीटर लंबी यह गुफा के प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। समर्पित है, यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इस मंदिर में पतली सुरंग में अनेक चट्टानों की संरचना और नक्काशीदार विभिन्न भगवानों की जटिल छवियां देख सकते हैं आप। रास्ते में आपको खाने पीने की भी शॉप्स मिल रही हैं। शिव जी का त्रिनेत्र बना है यहाँ। शूज उतारने हैं यहाँ पे, उसके बाद अंदर जाएंगे। अच्छा गोवा में जा रहे हैं अंदर, हम तो चश्मा से उतार दूँ। गुफा में तो जाना ही है। हाँ बहुत पतली है भैया, आ रहे हैं सब लोग। मोबाइल कैमरा नॉट अलाउड इन साइड, तो सब कुछ यहाँ रख के जाना पड़ेगा। रियली डिसअपॉइंटेड। ओह गॉड, हम लोग जस्ट अभी गुफा से बाहर आए हैं और पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए हमने। मतलब इट वॉज सो वर्थ विजिटिंग। अच्छा ही है कि कैमराज अंदर अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज़ इंडिया की कॉमन हो गई तो फिर कोई मतलब नहीं है। सम थिंग्स हैज टू बी हिडन, जिसको आपको खुद ही आना चाहिए और खुद ही सामने देखना चाहिए। आई मीन यू विल रियली फील द स्पिरिट हियर। It was just amazing. इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। So now we are returning back from the caves. वहाँ पे हमने बहुत कुछ देखा हिंदू माइथोलॉजी के बारे में समझने के लिए, उसे अपनी आंखों से देखने के लिए। ये गुफा एक परफेक्ट जगह है, मतलब इसके अलावा आपको और कहीं कुछ नहीं देख सकता। मतलब आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे आपको चारों धाम के दर्शन हो जाते हैं। चारों धाम के आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर,
और साथ ही पूरी रामायण यहाँ पे स्थित है। एक बहुत बड़ा सा पत्थर है जिसको जिसका रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके थ्रू कहा जाता है कि उसके अंदर पूरी रामायण बसी हुई है। और यहाँ पे कई द्वार हैं, जैसे स्वर्ग का द्वार भी यहाँ से जाता है, और आपका मोक्ष का द्वार है, पाताल का द्वार है, मतलब। और यहाँ पे पांडवों ने चौपाड़ खेला था, वो जगह है पूरी यहाँ पर। मतलब आप क्या जिस भी चीज़ के बारे में आपने सुना है हिंदू माइथोलॉजी में, और वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। शिव जी की जटाएं हैं, कुंड है यहाँ पर, 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पे विराजमान हैं, जो कि भक्ति में लीन है शिव जी की, मतलब। और बहुत कुछ है यहाँ पे देखने लायक और जानने लायक, हिंदू माइथोलॉजी को समझने लायक। ये देखिए, ये माना जाता है कि जो पूरा पाताल लोक है वो शेषनाग की रीढ़ की हड्डी पर, मतलब रीढ़ की हड्डी के ऊपर है, मतलब शेषनाग ने अपनी रीढ़ पर पूरे पाताल लोक को उठाया हुआ है। मतलब सच में पूरे अंदर पूरी गुफा में आपको शेषनाग की रीढ़ की हड्डी साफ दिखाई देती है कि हम उसी के ऊपर चल रहे हैं। यहाँ अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं है, मतलब अगर आपको ऐसा नहीं होता है कि कम ऑक्सीजन में आपको प्रॉब्लम होगी, तो अगर ऐसा नहीं है तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। थोड़ा सा टिपिकल है, टिपिकल इन द सेंस कि आपको ज़रूर एक बार को जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो डर ज़रूर लग सकता है कि अरे, क्योंकि गुफाएं ऐसी गुफाएं हैं कि आपको बहुत झुक के लेट कर ऊपर से पूरी अंदर एंट्री करते ही ऊपर से पूरी हाइट नीचे दिखती है, तो हो सकता है किसी किसी को प्रॉब्लम हो जाए। जैसे हमारे साथ भी एक हैं जो एंट्री करके वो वापस चले गए कि नहीं, मैं नहीं नीचे जा पाऊँगा। बट एक बार आप वो जोन क्रॉस कर लेते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर बहुत बड़ी जगह है, लेकिन कैमराज अलाउड नहीं है। बट वो अच्छी बात है कि कैमराज नहीं अलाउड है यहाँ पर। पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं इन सब चीज़ इस गुफा की रिकॉर्डिंग आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी, बट अंदर जाके लगा कि अच्छा ही है कि भारत की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको प्रिजर्व रहना चाहिए। और अगर किसी को देखना है तो खुद यहाँ आके थोड़ी सी मेहनत करके देखना चाहिए। आई मीन, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोग भी विजिट करोगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, खींच दीजिए। व्यू देख लियो आप, कितना प्यारा लग रहा है। मतलब कोई जगह मिसिंग नहीं है यहाँ पे, इतना वाइड व्यू है। अब वो देखिए, मेरा फोटो सेशन हो रहा है और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो अब अंदर दर्शन तो हमने कर लिए, अब हम जा रहे हैं यहाँ का कोई लोकल फूड ट्राई करने, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि हम जिस भी जगह पर जाएं वहाँ का कुछ ना कुछ लोकल क्विजीन ट्राई करना चाहिए। और अब हम देखिए, एक होटल भुवनेश्वरी रेस्टो, इसमें हम आए हैं, वापसी के रास्ते में ही है, तो देखते हैं कि क्या मिल रहा है यहाँ पे। ऊपर जाना है शायद यहाँ से। रीच्ड, ये देखिए पूरा का पूरा रेस्टो है यहाँ पर। तो हम लोग उस रेस्टोरेंट से बाहर आ गए हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत टाइम लग रहा था। और यहाँ जितने भी हमारे साथ के लोग हैं वो ढूंढ रहे हैं, पहाड़ों में भट्ट की दाल बहुत फेमस होती है, तो वो ढूंढ रहे हैं कि भट्ट की दाल हमको मिल जाए और थोड़ा जल्दी मिल जाए, ताकि हम अपने रिजॉर्ट में वापसी थोड़ा जल्दी कर पाएँ। तो अब हम आए हैं हिमालयन रेस्टोरेंट में।
छोटा सा है। खाना आ चुका है हमारा। अब हम लोग खाना वाना खा के जा रहे हैं वापस, और साथ में सिर्फ दो लोग और हैं, बाकियों की हिम्मत बोल गई और उन्होंने गाड़ी कर ली यहाँ से और वो गाड़ी से चले गए। लेकिन हमको थोड़ा सा पैदल एंजॉय करते हुए जाना पसंद है। थोड़े शॉर्टकट वॉर्टकट मारेंगे और पहुँच जाएंगे। फ्रूटी, नाउ वी ऑल हैव ग्रैब्ड वन ऑफ आवर्स फ्रूटी और हम चलते चले जा रहे हैं जंगलों के रास्ते में और फ्रूटी पीते जा रहे हैं। इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर। There at our resort, हम बस पहुंच ही गए। Reached our resort. शॉर्टकट है। ओह, शॉर्टकट कहाँ से लेना है? लग गई तारे तो? इन लोगों ने ही बनाया हुआ। और रिपीटिंग बार। ओह। प्रत्याशा, you are taking a shortcut. Be yes, careful. Yes, I am. I have to. Very be good. Careful. Very good. Oh. खड़े नहीं होना है। Very nice. हम अब सीधा अपने कमरे में ही एंट्री करेंगे। Yes. Oh, that's great. A good shortcut. Oh, we have reached our cottage. भैया मौज आई कि नहीं?